हेलो, नमस्ते। ऐसा कई बार होता है कि जब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, तो सबसे आसान होता है कि दोष किसी परिस्थिति पर डाल दो, किसी व्यक्ति पर डाल दो। किसी भी तरह से देखना हमको उसी नजरिए से होता है जो हमें हमारे लिए कन्वीनियंट लगे, आसान लगे। कुछ कहानियां आज हम सुनते हैं जिसमें ये पता चलेगा कि आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति भी बदल सकती है अगर आपका देखने का नजरिया बदल जाए। एक बार एक कंपनी में दो मार्केटिंग मैनेजर्स अपॉइंट किए नए। उनको कहा कि हमें अफ्रीका के एक छोटे से गांव में जाकर अपनी फैक्ट्री शुरू करनी है जूतों की। आप वहां पर जाकर सर्वे करेंगे और हमें बताएंगे कि वहां कब हमें अपनी फैक्ट्री खोलनी चाहिए, उसका स्कोप क्या है, वो अच्छे से चलेगी। जैसे भी आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन सर्वे करके हमारे सामने लेकर आएंगे, उसके आधार पर हम आगे का प्लान बनाएंगे। एक जो पहला मैनेजर है, वो पहले एक को भेजा जाता है, वो जाता है और वहाँ पे सर्वे करके आता है। 10 दिन कुछ रुकता है, वहाँ लोगों को देखता है, आसपास लोगों से बातचीत करता है, ऑब्जर्व करता है और वापस आता है अपनी कंपनी में। जब अपने बॉस को रिपोर्ट करता है और बॉस पूछते हैं कि कैसा आपका अनुभव है, हमारी कंपनी वहाँ पे कैसे चलेगी, मैनेजर बोलता है कि मुझे तो लगता है कि वहाँ पर हमें बिल्कुल अपनी कंपनी खोलने के का विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं, वहाँ लोग जानते भी नहीं जूते होते क्या हैं। तो ऐसी जगह जाकर हम जूते की फैक्ट्री खोलेंगे जिसको जूते के बारे में जानकारी ही नहीं है, जूते की समझ ही नहीं है, उसका महत्व ही नहीं पता है, तो फैक्ट्री खोल के क्या फायदा होगा? ये तो प्लान बिल्कुल सही नहीं है। उसी के एक दिन बाद दूसरा मैनेजर वहां पर गया था। उसने भी ये सब ऑब्जर्व किया, उसने भी सब लोगों से बात की और सोचा काफी, और आके यहाँ पर रिपोर्ट किया अपने बॉस को। उसके बॉस ने जब उससे यही सवाल किया कि आपका क्या अनुभव है, आप क्या कहते हैं अपनी फैक्ट्री को वहां खोलने के बारे में, ये कहता है कि इससे अच्छा तो कोई मौका ही नहीं है और उससे अच्छी तो कोई जगह ही नहीं है। वहां पर अभी तक कोई नहीं जानता है जूता क्या होता है और कैसे होता है। हम पहले होंगे जो उनको सबसे पहली बार बताएंगे कि जूता क्या होता है और कितने काम की चीज होती है। हमारे पास तो सारा इतना बड़ा मार्केट खुला हुआ है, ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जहां पहला व्यक्ति बोलता है कि वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दूसरा बोलता है वहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। ये अंतर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ देखने के नजरिए का अंतर है। इसको हम माइंडसेट्स की तरह भी देख सकते हैं। जो पहला है, जो हर जगह चैलेंज देखता है, वो एक फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति है। दूसरा, जो उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझता है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसका माइंडसेट एक ग्रोथ माइंडसेट है। चलो कोई और एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक भक्त होता है जो बहुत खुश होता है कि एक मंदिर बन रहा है और सोचता है चलो आज जाके देखते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य कैसे चल रहा है। जब वो आता है तो देखता है कि वहां पर मजदूर अपना काम करने में लगे हुए हैं और सब लोग समय पे अपना काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, ऐसा उसको लगा। उसने सोचा कि चलो जाके सबसे बात करते हैं। वो सबसे पहले गया और मंदिर की सीढ़ियों पर काम करने वाले व्यक्ति से उसने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, ये काम कैसा है? तो वो कहते हैं अरे ये काम तो सबसे अच्छा है, यहाँ मैं सीढ़ियां बना रहा हूँ, वो भी मंदिर की। लोग भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक मेरी बनाई हुई सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाएंगे। इन सब से, ये जितने भी लोग हैं, इन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो मैं ही हूँ, सबसे अच्छा काम मुझे मिला है। वो कहते हैं आपको जितना पैसा मिल रहा है, दिन भर काम करते हो, उससे आप संतुष्ट हो? वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, काम पे ध्यान देता हूँ, जितना मिलता है भगवान की कृपा से उसमें मैं खुश हूँ, और मंदिर का काम है तो इसलिए और ज्यादा आनंद है। तो कहते हैं अरे बहुत अच्छी सोच है इनकी। तो वो फिर अंदर जाते हैं और दूसरे एक व्यक्ति से मिलते हैं जो कि मंदिर के खंभे तराश रहा होता है। तो पूछते हैं आप कैसे हैं, कैसा लग रहा है काम करना? तो कहते हैं कि हाँ ठीक लग रहा है काम, दिन भर में जितना काम बताते हैं उतना कर लेते हैं, मेहनत का काम तो है पर ठीक है, जितना पैसा देते हैं उस हिसाब से काम करके हम तो शाम को चले जाते हैं यहाँ से। तो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो अंदर जाते हैं, मंदिर के जो
मुख्य स्थान है जहां पर की मूर्ति स्थापित होने वाली, वहां पर मूर्ति तराशी जा रही है। वहां पर वो मूर्तिकार से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है और ये काम करके आपको कैसा लग रहा है। वो बोलते हैं, देखो मेरे पास ये सब फालतू बात की बातों के लिए समय नहीं है, सबसे मुश्किल काम है मेरा ये मूर्ति भी पता है आपको कैसे बनने वाली है, कितने इसमें घुमावदार मोड़ हैं, ये भगवान सीधे भी खड़े नहीं हैं, तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है, कितनी मेहनत लगती है, जितना पैसा ये लोग दे रहे हैं उसमें इतना काम करवा रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ बस ये काम मूर्ति बनाने का जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और मैं यहाँ से निकलूँ। ये व्यक्ति सोचता है कि मैंने तीन अलग अलग लोगों से मुलाकात की, तीनों को वही मेहनताना मिल रहा है, तीन उतना ही देर काम करते हैं, पर दोनों की सोच, तीनों की सोच में कितना फर्क है, और तीनों में उसी तरह आनंद का जो एक स्तर है वो भी उसी तरह से अलग अलग है। जिसकी सोच पॉजिटिव है, जिसको हर चीज में अच्छाई नजर आ रही है, वो बड़ा सुखी और संतुष्ट नजर आ रहा है, और जो शिकायतों से भरा हुआ है, शिकायतों का पुलिंदा है, वो बिल्कुल भी प्रसन्न नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा एटीट्यूड, देखने का नजरिया जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम अपना नजरिया बदलेंगे तो नजारा बदलेगा। एक और कहानी की बात करते हैं नजरिए के बारे में, आज की तीसरी और आखिरी कहानी। एक बार एक स्त्री अपने घर पर अपनी सहेली को बुलाती है और ये बताना चाहती है कि उसने जो घर में नया इंटीरियर किया है, पूरा घर जो रेनोवेट किया है वो कितना सुंदर है। उसकी दोस्त को बताती है कि देखो ये इटालियन फर्नीचर है, ये फ्रेंच विंडोज हैं, और दुनिया भर से जो उसने बेशकीमती सामान ला के अपना घर सजाया है वो उसको एक एक करके दिखाती रहती है। उसकी दोस्त भी कहती है कि क्या बात है, बहुत ही सुंदर तुमने तो घर बनाया है। फिर दोनों चाय पीने के लिए खिड़की के पास जाकर खड़े होते हैं। दोनों देखते हैं कि खिड़की से बाहर उतना सुंदर नजारा नहीं है। तो जिसका घर है वो कहती है कि बस इस घर में यही एक प्रॉब्लम है, ये जो सामने वाले हैं ना, देखो उनके यहाँ कपड़े दिख रहे हैं, वो भी गंदे सब मैले, उनकी खिड़की देखो मैली, उनका घर देखो बाहर से दीवारें सब मैली, हमने इतना खर्चा करके ये घर बनाया और जब बाहर निकल के कुछ देखना चाहो तो ये खिड़की में से हमें सिर्फ बाहर की गंदा ही नजर आता है। उसकी दोस्त जो है वो सुनती होती है, सुन रही होती है, और फिर अपना रुमाल लेती है और इस खिड़की पर जो कांच लगा है उसको ऐसे साफ करती है, और फिर उसके बाद जब दोनों बाहर देखते हैं तो सब कुछ बाहर एकदम साफ सुथरा चमकदार, जितना सुंदर इनका घर उतना ही सुंदर सुंदर उनके पड़ोसी का घर दिखाई देता है। अब जो महिला थी जिसने अपने घर में अपने मित्र को बुलाया था, वो थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, उसे पता चलता है कि धूल सामने वाले की खिड़की पर नहीं मेरे ही घर की खिड़की पर है। इसी तरह हम अपने मन में कई तरह के विचारों से अपने आप को ढक लेते हैं, गलत विचारों से, और उनके कारण जो सच्चाई है वो हमें नजर नहीं आती। हम उसी तरह कह सकते हैं कि जब हम अपना नजरिया भी बदलते हैं, सही देखना चाहते हैं तो हमें सही दिखाई देता है, नजारा भी बदलता है। तो आज के लिए इतना ही, याद रखिए नजरिया बदलोगे तो नजारा बदलेगा। धन्यवाद।